मेट्रो का दूसरे चरण का किराया 10 अक्टूबर से बढ़ाने के फैसले पर डीएमआरसी और दिल्ली सरकार में टकराव बढ़ गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा डीएमआरसी के प्रमुख मंगू सिंह को तलब करने के बाद भी मेट्रो किराया बढ़ाने पर आमादा है। ताज़ा किराया वृद्धि के साथ ही किराया लगभग दोगुना हो जाएगा। केजरीवाल सरकार इसे जन विरोधी कदम बता रही है, लेकिन डीएमआरसी अब सवाल खड़ा कर रही है कि दिल्ली सरकार की ओर से ये विरोध पहले क्यों नहीं जताया गया। किराया बढ़ोतरी को लेकर फैसला 3 सदस्यीय फेयर फिक्सेशन कमेटी ने लिया था। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव भी शामिल हुए थे, जिन्होंने कमेटी के फैसले पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार फैसले का विरोध करते हुए इसे जन विरोधी बता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवहन मंत्री से कहा है कि वे मेट्रो किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वापस लेने के विकल्पों पर विचार करें। उधर मेट्रो के मुखिया मंगू सिंह ने कहा है, उन्होंने परिवहन मंत्री को बता दिया है कि किराया कैसे तय किया गया है। फिलहाल तो ये तय है कि किराया बढ़ाया जाएगा। मेट्रो से सफर करने वालों का भी कहना है कि एक तरफ सरकार सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मेट्रो का किराया बढ़ाया जा रहा है। जबकि डीएमआरसी का कहना है कि किराया एक कमेटी तय करती है जो जनता से राय भी लेती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जनता में वो कौन लोग हैं जिन्होंने किराया बढ़ाने की राय दी है। फिलहाल न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए निर्धारित है, लेकिन दूसरे चरण का किराया जो कि 10 अक्टूबर से बढ़ाया जाना है, उसके बाद अधिकतम किराया 60 रुपए हो जाएगा, जिसको लेकर जनता भी नाराज है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।